सो हे एवरीवन, दिस इज सचिन एंड यू आर नो वॉचिंग सचिन जोगी क्रिएशन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में अगेन मैं बर्थडे वीडियो का टेम्पलेट ला चुका हूँ, तो आप भी बर्थडे वीडियो एडिट कर सकते हैं इस टेम्पलेट से। तो टेम्पलेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और जितना मटेरियल है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और टेम्पलेट से कैसे अपनी वीडियो को एडिट करना है, कैसे फोटो अप्लाई करनी है, कैसे म्यूजिक अप्लाई करना, सब कुछ इस वीडियो में कम्प्लीट बता दिया, तो इस वीडियो को लास्ट तक कम्प्लीट जरूर देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वी एन वीडियो एडिटर के अंदर आ जाना है और प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट ले लें, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी मटेरियल मैंने डाउनलोड के लिए कहा है, लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उसको डाउनलोड कर लेना वीडियो का एडिट करने से पहले। और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा आपका बर्थडे वीडियो के नाम से, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो इसके अंदर एक टेम्पलेट है, मेन टेम्पलेट, तो उसको यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, जो हमारा मेन टेम्पलेट है इस वीडियो का। और जो ब्लैक हमारा टेम्पलेट है इसको हम यहाँ डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे वीडियो ऐड करने के सेक्शन पे क्लिक करेंगे और फोटो वीडियो जहाँ पे ऐड होती है तो उसके ऊपर आपको सेटिंग दिखेगी, तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपका जो भी हो उसको चेंज कर देना 0.56 में, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो ऐड करनी है अपनी, तो यहाँ से आपको 10-11 फ़ोटो ऐसे सिलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो 11 फ़ोटो यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर लेनी है और ये सबका टाइम आ जाएगा यहाँ पे 0.56, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है और म्यूज़िक के आइकन पे क्लिक करना है, म्यूज़िक पे करना है और यहाँ से आपको म्यूज़िक भी मिल जाएगा, जब आप डाउनलोड कर लोगे मटेरियल तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक भी मिल जाएगा। ये वाला, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे तो हमारा म्यूज़िक ऐड हो गया। तो अब क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एक बार और जो हमारा जूम आउट है ना, जूम आउट पे क्लिक करना है और 20 सेकंड कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना इसको लो, और अप्लाई टू ऑल कर देना, जितने भी हमारे हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब किसी भी फ़ोटो पे क्लिक करना है और FX में जाना है, और FX में जाने के बाद यहाँ पे आपको जिटल का ऑप्शन मिलता है, जिटल का, ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो जूम इन है ये भी ऐड कर सकते हो। तो जोन सा भी ऐड करोगे तो इसके इफेक्ट को ना आपको 30 सेकंड ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, तो और अप्लाई ऑल कर देना है और ये सारी वीडियो फोटो पे आपका अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो पे भी अप्लाई हो गया लेकिन हमको वीडियो पे चाहिए नहीं, तो इसको नन कर देंगे वीडियो पे आके। तो बस हमारी वीडियो बन चुकी है, बस इसमें एक थोड़ा सा ना इफेक्ट देना है, देखो ये आपका मतलब आग की तरह, फायर की तरह आपका उड़ रहा है ना कुछ, तो वैसे इस पर भी इफेक्ट देना है। तो क्या करना है, फोटो जहाँ पे स्टार्ट हो रही है उससे माइनर सेकंड पहले आना है और लेयर में वीडियो ले लेनी है और ये वाली वीडियो ले लें जो कि आपको मैंने मटेरियल के अंदर दे दिया है। अब इसकी ऑडियो होएगी तो उसको म्यूट कर देना है, वैसे होगी नहीं, और अब इसको फिट टू स्क्रीन कर देना है, फिट, और ब्लेंडिंग में आना है, स्क्रीन कर देना है, ठीक है, तो आपकी फ़ोटो पर अप्लाई हो जाएगा। तब आपकी वीडियो बन चुकी है, बस आपका एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो अब इसको आप स्टोरी मेंशन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू एडिटिंग वीडियो के साथ। या बड़े पड़ोसी हमारे बोलते थे डीजे बजा रहे हैं तो एंडिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं वीडियो की, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।